नमस्कार, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हुलीमा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथी विकास अबरोल। नमस्कार। तो दर्शकों, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी आपको अपना राशिफल जानने की काफी उत्सुकता होगी, तो इसीलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तृप शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शास्त्री जी, राशिफल बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। छोटा सा सवाल है जो कि कई बार हमारे श्रोताओं ने हमें आपसे पूछने के लिए कहा है, और वो सवाल ये है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमेशा गणेश जी की ही पूजा क्यों की जाती है? ओम भीमाक्षी भीम रूपे च दुष्ट दानव दातनी मंगले च सुशीले च सदा अमंगल नाशनी ओम श्री गणेशाय नमः। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे लीमा जी आपने प्रश्न किया, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर देना बनता भी है, क्योंकि हम कोई भी मंत्र, कोई भी शास्त्रों में कोई भी अगर मंत्र करते हैं, पढ़ते हैं, या कोई श्लोक पढ़ते हैं, या कोई पूजा करते हैं, जब तक उसका अर्थ पता नहीं है तब तक उस मंत्र का फल इतना असर नहीं करता। और अगर हम भगवान गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा कर रहे हैं तो अगर हमें पता ही नहीं है कि भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम क्यों की जाती है तो उसका भी मन में आशंका बनी रहती है। उस आशंका दुख को दूर करने के लिए एक पौराणिक कथा के अनुसार सभी देवी देवताओं में विवाद चल रहा था कि किस देवी देवता की सर्वप्रथम पूजा हो और कौन देवी देवता सबसे बड़ा। इस विवाद को दूर करने के लिए देव मुनि नारद जी ने एक सलाह दी कि सभी भगवान शंकर जी के पास जाएं, क्योंकि भगवान शंकर सृष्टि के दाता, सृष्टि का पालन करने वाले और सृष्टि को चलाने वाले भगवान शंकर ही हैं। तो सभी देवी देवता भगवान शंकर जी के पास गए और अपना प्रश्न उनके समक्ष रखा कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है और किसकी सर्वप्रथम पूजा की जाए। तो भगवान शंकर जी ने एक सलाह दी कि जो सृष्टि में पूरे ब्रह्मांड की जो सबसे पहले परिक्रमा करके मेरे पास आएगा उसकी ही सर्वप्रथम पूजा की जाएगी और वही सर्वप्रथम सबसे बड़ा हो। सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों पे पूरे ब्रह्मांड के लिए निकल चुके, लेकिन भगवान गणेश जिनका वाहन चूहा है, उन्होंने मन में सोचा कि मैं अगर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करूंगा तो पता नहीं कितने वृक्ष लग जाएंगे। इस आशंका को दूर करने के लिए भगवान गणेश जी के मन में, वो बुद्धि के दाता हैं भगवान गणेश, उनके मन में आया कि सबसे बड़े तो माता पिता होते हैं, तो उन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती की ही सबसे पहले परिक्रमा करके और उनके समक्ष बैठ गए। जब सभी देवी देवता परिक्रमा करके भगवान शंकर के पास आए तो भगवान शंकर जी ने कहा कि सबसे प्रथम जो पूजा की जाएगी वो भगवान गणेश जी की ही की जाएगी, क्योंकि इन्होंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। अब शास्त्रों में जैसे देखा जाए कि माता पिता, इनसे बड़ा तप, इनसे बड़ा जप कोई नहीं है। इन चार धाम की यात्रा करना, अगर अपने माता पिता की सेवा कर ली तो वो चार धाम की यात्रा है। तो कहना सरल है, इसमें कोई शंका नहीं है कि माता पिता की सेवा में ही चार धाम है और भगवान गणेश जी ने वही किया, क्योंकि वो बुद्धि के दाता है, विघ्नों को दूर करने वाले। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि आज के बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी की ही पूजा की जाए और सबसे बड़े भगवान गणेश ही हैं। अब भगवान गणेश का चेहरा ही लगा लो, सुंड, लंबे कान और बड़ा पेट, अगर किसी इंसान को ऐसे लगा हो तो वो कैसा लगे, लेकिन भगवान गणेश सबसे प्रिय देवता देव और सर्वप्रथम उनकी ही पूजा की जाती है, क्योंकि वो उस चेहरे में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इसलिए सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की ही पूजा की जाती है। आशा करता हूँ हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको पता चल चुका होगा कि अब क्यों गणेश भगवान जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। तो बढ़ते हैं हमारे राशिफल पर। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि। तो दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले इस सप्ताह में अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है, क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता है। यही जिंदगी की समस्याओं को दूर करने में सहायक सिद्ध हो। यात्रा आपके लिए आनंददायक और बहुत फायदेमंद होगी। जीवन साथी के साथ ये दिन और
दिनों की अपेक्षा बेहतर गुजरे। आपका भाग्य अंक रहेगा 1। अगर आप चाहते हो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहे तो ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करके घर से बाहर निकले, आपके सारे कार्य पूरा। बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि वाले अपनी ऊर्जा को व्यक्तित्व विकास के काम में लगाएं, जिससे आप और भी बेहतर बन सके। रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार हो आपका अपने जीवन साथी के साथ तनाव पूर्ण संबंध रह सकता है। जहां तक संबंध हो बाकी को आगे ना बढ़ाए। आपका भाग्यंक रहेगा 2। अगर आप चाहते हो जो सप्ताह आपके लिए अच्छा रहे तो अच्छी सेहत के लिए पिपल के वृक्ष को पानी दें, जहां से पिपल के वृक्ष के पास दीपक दे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले ये सप्ताह शांत और तनाव रहित रहेगा। अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखें, जो आने वाले वक्त में आप फिर पा सकें। अटके घरेलू कामों में अपने जीवन साथी के साथ मिलकर पूरा करने की व्यवस्था करें। अपने जीवन साथी के स्नेह से भरकर आप खुद को राजसी महसूस कर सकते हैं। आपका भाग्य अंक रहेगा 8। अगर आप चाहते हो जिस सप्ताह आपके लिए अच्छा रहे तो सफेद वस्तु का दान करें, चावल या बाजरा पक्षियों को दान। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए अवांछित विचार दिमाग में छा सकते हैं। खुद को शारीरिक व्यायाम का मजा लेने दें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और आज इसके चलते आपको कुछ वित्तीय लाभ भी मिल सकता है। जीवन साथी के खराब व्यवहार का असर आपके ऊपर पड़ सकता है। आपका भाग्यंक रहेगा 2। अगर आप चाहते हो कि जिस सप्ताह के लिए अच्छा रहे तो आर्थिक लाभ के लिए पिता अपने पिताजी को या पिताजी के समान किसी पुरुष को गुड़ से बना हुआ कोई भोजन खिलाएं, इससे आपका सप्ताह अच्छा रहेगा और धन की बचत। शास्त्री जी, आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बड़े श्रोता जो है मुझसे पूछते हैं, बहुत लोगों ने मुझे कहा है पूछने के लिए आपसे, कि लक्ष्मी माता जिसकी सब पूजा करते हैं, कि हर एक इंसान के घर में, दफ्तर में, हर काम में धन की वर्षा होती रहे, उनकी पूजा किस तरह से की जाए। लोग ये तो जानते हैं कि पूजा किस तरह से की जाए, लेकिन उनको अपने कार्यस्थल पर या अपने घर पर उनको किस तरह से विराजमान किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे श्रोताओं का। विकास जी, मैं जैसे बता दूं, लक्ष्मी खाली धन ही लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है। जैसे किसी घर में कोई स्त्री है वो भी एक लक्ष्मी का रूप है। अगर घर में कोई अतिथि आता है वो भी एक लक्ष्मी का रूप है। अगर कोई घर में कोई नए पकवान बनते हैं वो भी एक लक्ष्मी का रूप है। अगर घर में कोई वेदों शास्त्रों का उच्चारण होता है वो भी एक लक्ष्मी का ही रूप है। अब बात की जाए लक्ष्मी की, तो माता लक्ष्मी की अगर घर में पूजा हमने माता लक्ष्मी की करनी चाहिए, तो वो एक कमल पुष्प पे विराजमान और बैठी हुई माता लक्ष्मी की घर में पूजा करनी चाहिए, ताकि जो धन है वो घर में ही स्थिर रहे। और मैं ये भी बता दूं कि घर में सुबह शाम माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए जो दुर्गा का रूप है, जो जोगन माता का रूप है, जो दुर्गा माता की पूजा में घर में ज्योत जगानी चाहिए। और अगर अपना कोई कार्यालय है, अगर अपना कोई ऑफिस है, कार्यालय जैसे कोई अपनी दुकान है, वहाँ पे अगर लक्ष्मी की पूजा करनी है तो वो खड़ी लक्ष्मी, जो लक्ष्मी खड़ी है, उसकी मूर्ति विराजमान करनी चाहिए, ताकि धन आता रहे जाता रहे तो ही कार्य जो चलते हैं। इसलिए वहाँ पे ऑफिस में भी अपनी जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ पे भी सुबह शाम माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो घर में बैठी हुई और अपनी कार्यालय खड़ी लक्ष्मी रखनी चाहिए। तो हमारे श्रोताओं को पता चल चुका होगा कि किस तरह से लक्ष्मी माता को अपने घर पे या अपने कार्यस्थल पे विराजमान करना होगा, जिससे आपको ढेर सारे धन की प्राप्ति हो। चलते हैं हम अपनी अगली राशियों। तो दर्शकों, बात करते हैं पश्चिमी राशि यानी सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएंगे। ये दूसरों का नजरिया समझकर व्यक्तिगत समस्याएं
सुलझाएं। आप और आपका जीवन साथी मिलकर वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रखें। आपका भाग्य अंक रहेगा 9। अगर आप चाहते हो जिस सप्ताह आपके लिए अच्छा रहे तो पिपल के वृक्ष की सेवा करें और दीपक जी। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए जिस सप्ताह बहुत ज़्यादा चिंता करना मानसिक शांति को बर्बाद कर सकता है, इससे बचें, क्योंकि जरा सी चिंता और मानसिक तनाव भी शरीर पर खराब असर डाल सकता है। आर्थिक तौर पर सुधार तय है। दोस्तों मददगार और सहयोगी रहें। आपके जीवन साथी की ओर से मिला कोई खास तोहफा आपके खिन्न मन को खुश करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। आपका भाग्य अंक रहेगा 3। अगर आप चाहते हो जो सप्ताह आपके लिए अच्छा रहे तो मछलियों को चारा डालें। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए जो सप्ताह आपका सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल सकता है, लेकिन अपने उत्साह को काबू में रखें, क्योंकि ज्यादा खुशी भी परेशानी का सबब बन सकती है। अटके हुए मामले और धन खोंगे व खर्चे आपके दिमाग पर छाए रहेंगे। आप महसूस कर सकते हैं कि जीवन साथी का प्यार सारे दुख दर्द भुला देता है। आपका भाग्य अंक रहेगा 1। अगर आप चाहते हैं जिस बात के लिए अच्छा रहे तो सूरज को जल दें और सूर्य को जल देते समय ओम घृणी सूर्याय इस मंत्र का उच्चारण करें, आपका सप्ताह अच्छा है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह आप अपने सकारात्मक रवैये और आत्मविश्वास की वजह से आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे। आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा। अगर आप खरीदारी पर जाएं तो जरूरत से ज्यादा जेब ढीली करने से बचें। आज आपके वैवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में एक हो सकता है ये सप्ताह। अगर आप चाहते हो कि ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहे तो किसी उपाहिज व्यक्ति को दान करें, आपका भाग्य अंक रहेगा 3। तो शास्त्री जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी आगे बढ़ने से पहले। शास्त्री जी, अक्सर लोग काफी डर जाते हैं जब भी शनि की दशा का नाम सामने आता है। लोगों को ये समझ नहीं आता कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, तो कृपया करके आप ऐसे कुछ सरल उपाय बताएं जिससे शनि की दशा से बचा जा सके। लीमा जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी ग्रह कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, जैसे चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु। जो राहु है वो बाजू में बन देता है, केतु कुल की उन्नति करता है, और शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो कारोबारी बनाता है। हाँ, अगर शनि की साढ़े सती जब आती है, या शनि की महादशा आती है, या शनि की अंतर्दशा आती है, उससे बचने के लिए एक सरल उपाय यही है कि पिप्पल के वृक्ष की सेवा करें। भगवान शनिदेव ब्रह्म पुराण के 118वें अध्याय में भगवान शनि स्वयं ही कहते हैं कि जो पिप्पल के वृक्ष को स्पर्श करके 108 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेगा, मैं उसके ऊपर कभी भी कष्ट नहीं डालूंगा। अगर हम पिप्पल के वृक्ष को जल देते हैं शनिवार, जब पिपल के वृक्ष को स्पर्श करते हैं, तो कभी भी शनि नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, शनि देव कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें शनि देव के चालीसे का पाठ करना चाहिए, और सबसे अगर अपने सभी ग्रहों को स्ट्रांग बनाना है, अगर सभी ग्रहों को उच्च का बनाना है, तो हमें भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर के ही अंश हैं सारे ग्रह। तो भगवान शनि की पूजा करने से पहले शनि के संध्या के समय, ना दिन हो ना रात, संध्या के समय भगवान शनि के मंदिर में जाइए, और अगर भगवान शनि की मूर्ति है तो वहाँ पे दीपक जलाइए, और अगर भगवान शनि की मूर्ति नहीं मिलती किसी मंदिर में, तो पिप्पल का वृक्ष तो हर चौराहे पे या हर मंदिर में मिल जाता है, तो वहाँ पे दीपक जलाइए और भगवान पिप्पल के वृक्ष को स्पर्श करके ओम नमः शिवाय 108 बार बोलिए, और भगवान शनि स्वयं ही कष्ट को दूर करते हैं, और आने वाला जो समय होता है वो अपने ही अनुसार चलता है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को शनि की दशा से बचने के उपाय पता चल गए होंगे। तो अब चलते हैं आगे की राशियों की तरफ। तो दर्शकों, अब बात करते हैं नौमी राशि यानी धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह असुरक्षा दुविधा के चलते आप असमंजस में फंस सकते हैं। निश्चित तौर पर वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन साथ ही खर्चों में भी इजाफा। आप अपना ऊर्जा में भरपूर
दिला जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके साथ आसपास के लोगों को खुश कर सकता है। आप अपने जीवन साथी के प्यार की मदद से जिंदगी की मुश्किलों का आसानी से सामना कर सकते हैं। आपका भाग्यंक रहेगा साथ। अगर आप चाहते हो जैसे पास के लिए अच्छा रहे तो केले के वृक्ष की पूजा करें और किसी पार्क में या किसी चौराहे पर केले का वृक्ष लगाएं, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इससे आपका सप्ताह, आने वाला सप्ताह अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए किसी भी तरह के द्वंद या विरोध से बचें, क्योंकि आपकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। पुराने निवेशों के चलते आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है। आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लाएंगे। वह घरेलू तनाव दूर करने में मददगार रहेगी। जे सप्ताह शुरू किया गया कार्य निर्माण का कार्य जहाँ संतोषजनक रूप से पूर्ण हो, थोड़ी सी कोशिश करें तो जे दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे विशेष दिनों में से एक हो सकता है। आपका भाग्यंक रहेगा 9। अगर आप चाहते हो जे सप्ताह आपके लिए अच्छा रहे तो किसी शिव मंदिर में जाके झाड़ू चढ़ाएं। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो रोमांचक हो और आपको सुकून दे। आपके मन में जल्दी पैसे कमाने की तीव्र इच्छा पैदा होगी। आज के दिन बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आप दुनिया में खुद को सबसे रईस महसूस करेंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी का व्यवहार आपको ऐसा महसूस करवाएगा। आपका भाग्यंक रहेगा साथ। अगर आप चाहते हो जिसका आपके लिए और अच्छा रहे तो चावल या चांदी अपनी माता से लेके अपने पर्स में रखें, आपका सप्ताह अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मौज मस्ती और मनपसंद काम करने का दिन। आप पैसा बना सकते हैं, बशर्ते आप अपनी जमा पूंजी पारंपरिक तौर पर निवेश करें। आप सभी पारिवारिक कर्जे खत्म करने में कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह जीवन साथी पर किया गया संदेह आने वाले दिनों में आपके वैवाहिक जीवन पर बुरा असर डाल सकता है। आपका भाग्यंक रहेगा 4। अगर आप चाहते हो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहे तो श्री भगवान गणेश जी के ऊपर ध्रुवे चढ़ाएं और ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र की एक माला। आपका सप्ताह अच्छा रहे। धन्यवाद। धन्यवाद शास्त्री जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तृप्त शास्त्री जी। मैं आशा करती हूँ कि शास्त्री जी की दी हुई सारी जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक रही होगी। वक्त इंडिया के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी, वक्त इंडिया, यही वक्त है।